जनता की जज्बा आपको दिखाई दिया होगा, जनता के मन में है जो वोट से हम केजरीवाल को बाहर निकालेंगे, जज्बा दिखाई दे दिया और लोगों में एक भावना जगी है, जो पब्लिक हित की काम करता है उसको जेल में बंद करता है, अब बड़े बड़े धन्ना साठ को कर्जा माफ़ करके बाहर भेज देता है। तो जो जज्बा पैदा हुआ है, जो आज बिजली फ्री, पानी फ्री, स्वास्थ्य का लाभ जिस तरह से चल रहा है और जिस तरह से महिलाओं के लिए 1000 रुपये का सम्मान राशि की गारंटी, महिलाओं को बस में फ्री और तीर्थ यात्रा जो बुज़ुर्गों का है, ये सब जो गारंटी केजरीवाल जी की गारंटी घर में दिखाई देता है, अब मोदी की गारंटी जुमला में बदल जाता है। 15-15 लाख रुपए देंगे, अच्छे दिन आएगा, 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, महंगाई घटाएंगे, किसान को डबल बेनिफिट देंगे, ये सब 6 महीना के बाद जुमला हो गया और केजरीवाल की गारंटी घर घर में दिखाई देता है। वो 400 पार का नारा नहीं है, उनका ये रहा 400 पार हो जाएगा, 147 सीट आएगा। उनका ये कहना है कि 6 लाख सीटों से हम पश्चिम दिल्ली जीत रहे हैं, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन जनता की जज्बा, जनता में आप जाइए जो कौन जीत रहा है। अरे भाई, जीतना होता तो एक बात दिखाइए, दिल्ली में 6 MP को टिकट काटा गया है भारतीय जनता, तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में स्वीकार किया जो हमारा MP काम नहीं किया, जनता में नहीं गया, इसलिए रोष है इसको टिकट काटा, तो अपने आप साबित कर दिया भाजपा पब्लिक की नहीं है, जनता के लिए नहीं है। अब नया कैंडिडेट आया है, तो नया कैंडिडेट जो है वो मैं समझता हूँ, लोग भी समझ रहे हैं, जो नया कैंडिडेट महाबल मिश्रा एक लंबा अनुभव वाला आदमी है, लोग कहता है जो लंबा अनुभव वाला है, एक बार पार्षद, 3 बार MLA, 1 बार मेंबर पार्लियामेंट, 12 साल में DDA का सदस्य रहा, तो जो मैं काम किया वो लोग जन जन तक, इस बात है काम किया, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, ये मेरा नारा है। और लोग कहता है जो महाबल मिश्रा सबका बन के रहा, भाई बंधु बन के रहा, जीता तो बीच में रहा, हारा तो बीच में रहा, महाबल मिश्रा जाचा परखा आदमी है, इसको लाओ, नए को मत लाओ। महाबल जी, कमलजीत की रैली में विशेष तौर पर ट्रैक्टर और दिखाई दिए हैं, बुलडोजर, वो कह रहे हैं कि गांव का और गांव वालों का समर्थन है, आपकी रैली में ऐसा कुछ? और ट्रैक्टर और रोली रोल दिखाया है, तो 6-1.5 साल किसान को बॉर्डर पर रखा, देश के प्रधानमंत्री को 5 मिनट का समय नहीं है जो कि किसान से बात करे, तो ट्रैक्टर और ट्रोलर वो दिखावा है, असली में किसान के साथ जो अन्याय किया वो अपने सब किसान जान रहा है, जो देखिए 700 आदमी किसान मरा भी, तो ट्रैक्टर और ट्रॉली से नहीं बात बनता, बात बनती देश के प्रधानमंत्री को 5 मिनट का समय नहीं मिला जो किसान से बात करे, तो ये सबको जहन में है। बीजेपी लगातार बड़े बड़े कैंपेन कर रही है, अपनी जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ, जनता मेरे साथ है, जनता का प्यार और स्नेह मेरे साथ है, उनका नारा होगा, अब नारा मैं कितना नारा है जो देखिए, देश के प्रधानमंत्री का जिस तरह का भाषण हो रहा है, मैं समझता हूँ वो स्तर प्रधानमंत्री का नहीं है। आज देश की जनता, आज प्रधानमंत्री कहते मंगलसूत्र छिन जाएगा, आज ये कहते जमीन छिन जाएगा, ऐसी भाषा का नहीं, देश की जनता को, आप युवा हैं, देश की जनता को नौकरी कैसे मिलेगी युवा को, उस पर बात करना चाहिए, विकास कैसे होगा, देश सुरक्षित कैसे होगा, जवान किसानों को डबल राशि का इनकम कैसे होगा, बेरोजगारी दूर कैसे होगा, इस पर होगा, लेकिन आज जात धर्म पर और मंदिर मस्जिद पर जो चुनाव हो रहा है, जनता कह रहा है ये सिर्फ नारा है, असली तो काम नहीं किया, विकास की गति नहीं दिया, सब प्राइवेट कर दिया, अब देखिए एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, और रेलवे में जो बुजुर्ग को 60 साल से ऊपर थे उनको 50% का रिबेट मिलता था वो भी ख़त्म कर दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, पेट्रोलियम पदार्थ की खदान बेच दिया, इवन दो जो फौजियों का आम सबमिशन बनता था आर्मी का वो भी प्राइवेट कर दिया, तो भाई प्राइवेट कर दिया तो जब हमारा नौजवान को नौकरी कहाँ से मिलेगा, और ये नौकरी देने की बात नहीं कि नौकरी छीनने की बात कर रहे हैं, सब प्राइवेट हो गया तो नौकरी कहाँ से मिलेगा, एक बात कहा था पकौड़ा तलने की, वो भी नाला की गैस से, आपको याद होगा, तो नाला में गैस उत्पन्न होगा तब ना पकौड़ा तलेगा।